हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ हार्ड डिस्क के बारे में। जब आप हार्ड डिस्क लेने जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि जो भी सबसे सस्ती हार्ड डिस्क होती है वो आप खरीद लेते हैं, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी हार्ड डिस्क आपके लिए सही रहेगी, क्योंकि सिर्फ एक तरीके की हार्ड डिस्क नहीं आती, अलग अलग तरीके की हार्ड डिस्क आती हैं। मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन सी हार्ड डिस्क किस काम के लिए हैं। मतलब अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पी सी बिल्ड कर रहे हैं, कोई सी सी टी वी लगा रहे हैं, कोई नेस आप बना रहे हैं, तो आपको कौन सी हार्ड डिस्क लगानी चाहिए, क्योंकि सबका एक अलग काम होता है। आप कोई नॉर्मल हार्ड डिस्क का काम किसी और जगह पे नहीं ले सकते, और कोई बड़ी हार्ड डिस्क आप कंप्यूटर में लगाएंगे तो इतना यूज नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम उसकी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने लिया है सीगेट को, क्योंकि सबसे ज़्यादा सही तरीके से अगर उन्होंने कैटेगरीज बनाई है तो वो सीगेट ने बनाई है। WD ने भी बहुत अच्छे से बनाई है, लेकिन ये वीडियो मैं सीगेट को समझाते हुए बनाऊंगा, जिससे आपको बाकी जितनी भी कंपनीज हैं WD, वैसे WD सीगेट दो ही कंपनी है, तो आपको वो भी समझ में आ जाएंगी। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी अपना कंप्यूटर खोलेंगे ना, अभी अगर आपका प्री बिल्ड है या आपने भी बनाया है, तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली सीगेट की बैराकूडा ही निकलेगी, मतलब बैराकूडा ही निकलेगी, उसके अलावा दूसरी कोई हार्ड ड्राइव नहीं निकलेगी। मतलब ज़्यादा चांसेस बैराकूडा के ही हैं, क्योंकि या तो WD ब्लू होगी या बैराकूडा होगी। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे पहले आती है जो कंप्यूटर्स के लिए, बनाई जाती है, वो होती है सीगेट की बैराकूडा। तो बैराकूडा आपको दो साइज़ में देखने को मिलती है, 2.5 इंच और 3.5 इंच। मतलब छोटी हार्ड डिस्क भी देखने को मिलती है, बड़ी हार्ड डिस्क भी देखने को मिलती है। और इसके बाद आती है बैराकूडा प्रो, जिसके अंदर आपको ज़्यादा स्टोरेज देखने को मिलता है, 14 TB तक। तो आपका जो बैराकूडा प्रो है वो भी आपके कंप्यूटर के लिए है, लेकिन उसका जो स्टोरेज है वो बढ़ जाता है। तो वहाँ पर आपको एक मतलब प्रो इसलिए लगाया है क्योंकि वो आपकी बैराकूडा का बड़ा भाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो, अगर आपको कंप्यूटर बनाना है तो वहाँ पर आपको बैराकूडा आएगी समझ में, क्योंकि PC के लिए यही होती है, क्योंकि आपको बस एक स्टोरेज डिवाइस चाहिए जिस पर आप चीज़ें रख सकते हैं। बस आप कंप्यूटर में वही तो काम करते हैं, आपका कंप्यूटर हर वक्त चलता नहीं है, हर वक्त रीड और राइट होता नहीं है। तो बैराकूडा एक नॉर्मल यूज़ के लिए बनी है, वो हर वक्त रीड एंड राइट के लिए नहीं बनी है, ठीक है। तो ये आपकी आती है बैराकूडा। इसके बाद आती है फायरकूडा। अगर आपने नाम सुनो, सबसे कम पॉपुलर है फायरकूडा। एक्चुअली वो हार्ड डिस्क नहीं है, वो SSHD है, ठीक है। SSHD क्या होती है, सिंपल सी, कि ज़्यादातर पार्ट उसका हार्ड डिस्क का होगा, उसमें बस थोड़ी सी जो कुछ GB होगी वो आपकी SSD होगी और बाकी सारी हार्ड डिस्क होगी। तो जो SSD का हिस्सा होगा उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, और बाकी का जो आप नॉर्मल हार्ड डिस्क में ले सकते हैं। लेकिन ये कभी भी कामयाब नहीं रहा है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि लोग इससे अच्छा एक अलग से SSD और एक हार्ड डिस्क ले लेते हैं। SSD में ऑफकोर्स ज़्यादा स्टोरेज मिल जाता है, जो ये SSHD आती हैं इनके अंदर आपको ज़्यादा SSD का स्टोरेज नहीं मिल पाता। आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल कर सकते हैं बस, इसके अलावा आप दूसरा काम उस SSHD के अंदर नहीं कर सकते। तो इसकी जो फायरकूडा है वो इतनी पॉपुलर नहीं हो पाती, और ना मुझे पसंद है, और ना शायद मैंने कभी उसको यूज़ भी करा होगा, क्योंकि उससे अच्छा मैं SSD और हार्ड डिस्क का मिक्सचर लगा लूँ और फिर मेरा काम हो जाएगा। तो ये फायरकूडा भी आती है, जिसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो सिर्फ 2 TB तक होती है। तो आपको ज़्यादा एक्सपेंड का भी ऑप्शन नहीं मिलता, जैसे बैराकूडा में मैंने आपको बताया कि बैराकूडा जो प्रो वर्जन है वो आपको 14 TB तक देता है कंप्यूटर स्टोरेज में। तो फायरकूडा इस वजह से भी शायद चली नहीं है कोई खास, और ना ज़्यादा लोग खरीदते हैं, और मैं ना रिकमेंड करूँगा किसी को कि वो खरीदे। इसके बाद आती है तीसरी जो है वो है आयरन वुल्फ। इसका भी प्रो वर्जन है, आयरन वुल्फ प्रो, जिसमें आपको ज़्यादा वारंटी देखने को मिलती है, और दोनों के प्राइस में अच्छा खासा फ़र्क है, मतलब सीरियसली अच्छा खासा फ़र्क है अगर आप आयरन वुल्फ और आयरन वुल्फ प्रो के प्राइस कंपेरिजन में करेंगे। क्योंकि ये जो आयरन वुल्फ प्रो है ये आपकी बनी है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आप इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, आप इसके अंदर ज़्यादा डेटा रखेंगे, आप उसको ज़्यादा एक्सेस करेंगे, ये हर वक्त चलने के लिए बनी है, मतलब हर वक्त ये हार्ड डिस्क रन होती रहेगी, इसलिए बनी है। और अगर आप सीगेट की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी लिखा होगा कि ये नेस के लिए हैं, ठीक है, ये नेस के लिए हैं। और आपको पता है कि नेस हर वक्त चलता रहता है, आपके नेटवर्क से कनेक्ट रहता है नेस, तो फिर उसको हर वक्त ऐसी हार्ड डिस्क चाहिए जो हर वक्त चलती रहे, जो मतलब ज़्यादा भरोसेमंद हो, आपका डेटा ख़राब नहीं हो जाए। आप उसके अंदर बैराकूडा लगाएंगे तो आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, आप उसके अंदर डेटा रखते हुए सोचेंगे, क्योंकि बाई चांस, क्योंकि बैराकूडा की लाइफ कम होती है और जो आपका आयरन वुल्फ है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, और आयरन वुल्फ प्रो और लंबा चलता है। तो यहाँ पर आयरन वुल्फ जो है वो आपका नेस के लिए बना है डेडिकेटेड। तो आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर आयरन वुल्फ, या WD में जाएंगे तो वहाँ पर उनका रेड है, तो वो नेस के लिए है। तो नेस के लिए अलग से हार्ड ड्राइव होती है। तो अगर आप नेस बनाने जा रहे हैं तो आप
बैराकूडा नहीं लेंगे, आप फायरकूडा तो लेंगे नहीं, वो आप कंप्यूटर के लिए भी नहीं लेंगे, तो नेस के काम आती है, ठीक है। तो नेस क्योंकि उसकी लाइफ लंबी होती है और हर वक्त चलती रहती है नेस, तो इस वजह से बैराकूडा हर वक्त नहीं चलती क्योंकि वो आपके कंप्यूटर के अंदर होती है, आप कंप्यूटर 24 घंटे ऑन रखते हैं नहीं, तो दोनों में फ़र्क है ना। आप नेस के अंदर बैराकूडा नहीं लगाएंगे, उसके लिए आयरन रूल बनी है। इसके बाद आती है एक और हार्ड ड्राइव जिसका नाम है स्काई हॉक, और ये सर्विलेंस वाली है। आप सर्विलेंस का नाम समझ गए होंगे, ये सीसीटीवी के लिए बनती है और इसका काम अलग है। अब आप कहोगे यार सीसीटीवी में मैं बैराकूडा भी तो लगा सकता हूँ, चलो बैराकूडा नहीं लगा सकते, तो जो इनकी आयरन वुल्फ प्रो है जो बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिसमें ज़्यादा डेटा रहेगा, जो हर वक्त चलती रहती है, तो मैं वो लगाऊँ ना सीसीटीवी में, मैं ये स्काई हॉक क्यों लगाऊंगा? तो स्काई हॉक सर्विलेंस के लिए है, ठीक है, क्योंकि सर्विलेंस वाली भी थोड़ी अलग होती है, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि आपकी जो बैराकूडा है वो हर वक्त नहीं चल रही है, ठीक है, और हर वक्त ना उसमें रीड हो रहा है ना राइट हो रहा है, ऐसी आपकी नेस है, हर वक्त चल तो रही है लेकिन आप उसका डेटा क्या हर वक्त एक्सेस कर रहे हैं क्या, उसके ऊपर बार बार चीज़ें राइट कर रहे हैं, बार बार डेटा बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे ना। आपने नेस को कभी कभार एक्सेस कर लिया जब आपको काम हुआ, आपने फाइल, लेकिन हर वक्त तो फाइल रीड एंड राइट तो नहीं हो रही ना हर वक्त। लेकिन जो सर्विलेंस वाली ड्राइव्स होती हैं, जो इसकी स्काई हॉक है और WD में आती है पर्पल उसकी सर्विलेंस ड्राइव, तो वो जो सर्विलेंस ड्राइव है तो उसके अंदर आपको हर वक्त रीड एंड राइट चाहिए, ठीक है, हर वक्त रीड एंड राइट। क्योंकि जब आप अपना CCTV चलाते हैं तो आपकी पुरानी जो फुटेज होती है वो डिलीट होती जाती है, उसके ऊपर डिलीट होके वो राइट होती चली जाती है, नया डेटा आता रहता है, तो वो हर वक्त रीड एंड राइट करती रहती है। तो सर्विलेंस वाली जो स्काई हॉक है वो इसके लिए ही बनी है, और स्काई हॉक का एक दूसरा वर्जन भी आता है जो स्काई हॉक AI है, जिसके अंदर आपको ज़्यादा थोड़े फीचर्स देखने को मिलते हैं और साथ में आपको ज़्यादा स्टोरेज भी देखने को मिलता है। तो सर्विलेंस अगर जाएंगे तो आपको स्काई हॉक ही मिलेगा, और कोई भी अगर कोई CCTV लगाएगा अगर जानकार है तो वो स्काई हॉक ही देगा या आपकी WD की पर्पिल देगा, आपको नॉर्मल बैराकूडा जैसी हार्ड ड्राइव नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर आपके स्टोरेज को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बैराकूडा हर वक्त चलने के लिए नहीं बनी है, ये सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके की हार्ड ड्राइव होती है। WD में भी कुछ ऐसी है, WD आपकी ब्लू आती है, उसके बाद आपकी पर्पल आती है, आपकी एक रेड आती है, और भी कुछ कलर हैं उनके, गोल्ड वगैरह भी कलर आते हैं, ब्लैक वगैरह भी आते हैं, वो थोड़े अलग काम के लिए होते हैं, लेकिन आपको कई सारी देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ Seagate में भी आपको कुछ और हार्ड ड्राइव भी देखने को मिलती हैं, EXOS वाली नाम शायद यही है, वो आपकी डेटा सेंटर के लिए आती है, उनमें बहुत बहुत GB होती हैं और बहुत बहुत महंगी होती हैं वो, तो उसकी बात नहीं करते हैं। ये जो कंज्यूमर लेवल की होती हैं, अगर आपको एक कंप्यूटर बनाना है आपको क्या करना है, आपको बैराकूडा लेनी है। अगर आपको कंप्यूटर बनाना है और आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आपको बैराकूडा प्रो लेनी है। अगर आपको CCTV में चाहिए तो आप स्काई हॉक लेंगे। अगर आपको उसमें भी ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप स्काई हॉक AI लेंगे। आपको अगर नेस बनाना है तो आप क्या लेंगे, आयरन वुल्फ। और अगर आपको उस नेस में भी ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप क्या लेंगे, आयरन वुल्फ प्रो, जिसमें वारंटी भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और अगर आपको SSHD वाला वर्जन चाहिए कि SSD और हार्ड डिस्क दोनों का मिक्सर हो, तो आप फायरकूडा लेंगे, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा फायरकूडा को, क्योंकि हार्ड डिस्क और SSD आप अलग से लगा लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। SSHD कभी भी सक्सेसफुल नहीं रही है, और पता नहीं क्यों फायरकूडा अभी भी है, मुझे तो लगता है उसको ख़त्म कर देना चाहिए Seagate को, बिल्कुल तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी सवाल उसने नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे में गार्बेज वीडियोस लाते रहता हूं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।